दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल कुशवा एमपी ऑनलाइन मकरोनी में। गाइस मैं नंदलाल आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। गाइस जो हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल हैं, जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने हमारे लिए बम्पर वैकेंसी निकाली हुई है गाइस। तो चलिए गाइस मैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस चलिए मैं बताता हूँ आपको, जो नोटिफिकेशन आया है उस पर आपको पूरी जानकारी देता हूँ वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। ठीक है गैस, ये आप गैस देख सकते हैं जो हमारा जो नोटिफिकेशन आया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 28/2/2019 को हमारा ये नोटिफिकेशन गैस यहाँ पे आ गया था। अब मैं बात करूँ गाइस, जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो हुआ था आपका 1/3/2019 से आपका स्टार्ट हो चुका था। ठीक है गाइस, और मैं इसकी आपको लास्ट तारीख भी बता दूँ गाइस, तो इसकी लास्ट तारीख है आपकी ये फॉर्म फिल करने की 31/3/2019 आपकी लास्ट तारीख है। ठीक है गाइस, और मैं आपकी जो अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं और आपने पेमेंट नहीं किया, फॉर्म भर दिया, तो उसकी तारीख गाइस 5 तारीख उसकी लास्ट है। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो गाइस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूँ गाइस, तो मैं इसकी फाइनल सबमिट की बात करूँ तो गाइस फाइनल सबमिट है इसका 12/4/2019 तक इसकी। जैसे कि अपन ने फॉर्म भर दिया उसका और पेमेंट नहीं किया है, तो आप पेमेंट 12 तारीख तक भी आप कर सकते हो। और मैं आपको इसकी एग्ज़ाम डेट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जून टू सितंबर, यानी कि जून से सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और आपके एडमिट कार्ड गाइस जो मई है उसमें आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मैं बात करूँगा गाइस आपकी जो फॉर्म फीस है उसकी बात करूँ तो जनरल ओबीसी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे आपके लिए 500 रुपये जनरल ओबीसी की रखी गए हैं और आपके खाते में गाइस 400 रुपये आपको लौटा दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मैं बात करूँगा इस एस टी एस सी वालों की, जिसमें अभी खाते से आपके 250 रुपये काटे जाएंगे गाइस, और बाद में आपको पेपर देने के बाद आपको 250 के 250 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करें आपकी, यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क, जूनियर टाइप कीपर, ट्रेन कीपर और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पे गाइस आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 आपकी मांगी गई है गाइस। और एज लिमिट की बात करूँ गाइस, यहाँ पे 1/7/2019 से एज लिमिट ली गई है व्यक्ति की उम्र, छात्री उम्र 18 से 30 साल यहाँ पे मांगी हुई है। चलिए गाइस अब मैं बात करूँ यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन से निकाली हुई है गाइस उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट्स, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल, स्टेशन मास्टर। गाइस इसके लिए आपको ग्रेजुएशन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है गाइस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप यहाँ पे एज लिमिट भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और इन्होंने जनगणना जो एज की जनगणना की है वो 1/7/2019 से की हुई है। ठीक है गाइस, मैं बात करूँ गाइस वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अजमेर, इलाहाबाद, किस में कौन सी ज़्यादा गाइस, मैं बता दूँ हम भोपाल का हूँ मैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं भोपाल के लिए जनरल के लिए यहाँ पे 324 और एक सर्विस मैन उनके लिए 108 है, और ओबीसी की बात करूँ तो 268 है गाइस, और एससी की बात करूँ 118, एसटी की बात करूँ 79, इस मिलाकर टोटल मिलाकर 1997 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं भोपाल के लिए। ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और इसके सिलेबस वगैरह के बारे में सभी सिलेबस देखते हैं। तो चलिए गाइस फर्स्ट सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है गाइस, थोड़ा नेट का इशू है इसलिए। ये देखिए गाइस, ये आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। ये परीक्षा का पैटर्न है जो फर्स्ट लेवल है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो गुड्स कार्ड ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे वो 12th पास वाला हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे तो आप देख सकते हो, ये देखिए गाइस परीक्षा अवधि आपके लिए 90 मिनट मांगी गई है, जिसमें से आपका जो
40 नंबर की आपकी सामान्य जीके पूछी जाएगी गाइस, और गणित आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, और यहीं पे आपकी जो रीजनिंग है वो यहाँ पे 30 नंबर की पूछी जाएगी। कुल मिलाकर गाइस आपके 100 क्वेश्चन होने वाले और आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। अब आप गाइस यहाँ से देख सकते हो गणित में कौन कौन से आपके टॉपिक पूछे जाएंगे, या आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, मेरी वीडियो पुश करके आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। अब मैं बात करूँ गाइस यहाँ पे सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग वाले आप टॉपिक भी यहाँ से आप देख सकते हो गाइस, वही है अपना जो पहला पुराना वाला सिलेबस था, सिलेबस एकदम वही है। अब मैं बात करूँ गाइस आपकी जीके की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीके में, ठीक है गाइस, ये आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, और जो आपका जीके सामान्य विज्ञान है, केमिस्ट्री वगैरह है, वो आपकी 10th से ही आएगी। जी हाँ गाइस, जो 10th का सिलेबस है वही आपका जीके में आने वाला है। गाइस आपको इतना तो अच्छे से समझ में क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। अब हम गाइस अब आप सेकंड स्टेज पेपर की आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ में, यहाँ पे सेकंड स्टेज आप लिखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हाँ गाइस, अब इसका आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका सेकंड टेस्ट होने वाला गाइस, वो 10+2 यानी कि आपका 12वीं के कोर्स से आपका वो सब आने वाला है। और गाइस ये सभी के लिए अलग अलग है, 12th वालों के लिए अलग आएगा, और आपका जो ग्रेजुएशन वाले हैं, गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, उनके लिए अलग सिलेबस होगा, ठीक है गाइस। और आपको क्वेश्चन में बता दूं यही प्रकार आपका आने वाला है, चाहे आपका ग्रेजुएशन वाले हो चाहे 12th पास हो। आपके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा गाइस, और 50 नंबर का जीके आपको पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स आपको 35 नंबर का, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी कि जो रीजनिंग आपकी 35 नंबर की पूछी जाएगी। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। मैं आपको एक बात और बता दूं, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी की जाएगी, क्योंकि यह रेलवे है। और अब मैं बात करूंगा इसे आपके टॉपिक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गाइस, 1.3 मार्क्स सेल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, आप देख सकते हो गाइस। अब मैं बात करूँ मैथमेटिक्स से, आपके जो टॉपिक दिए गए हैं गाइस, वो बिल्कुल CBT ALP CBT 2 या 1 के ही हैं, देखिए गाइस। और मैं बात करूं आपकी रीजनिंग की, आप रीजनिंग का भी देख सकते हो गाइस, और जी का पोर्शन अभी आप देख सकते हो। चलिए गाइस नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आपने जो 12th पास से डाला है टाइपिस्ट का, तो आपके लिए स्किल टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो इंग्लिश की है वो 25, सॉरी हिंदी की आपकी जो 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और आपकी जो इंग्लिश की है वो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपकी यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है गाइस। और अब मैं बात करूँ गाइस आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ के यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। गाइस अगर आपको मेरे से कोई भी सवाल जवाब पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।